स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द वॉरियर। ये मूवी राम प्रोथिनेनी, कीर्ति शेट्टी और आदि की है। ये मूवी एक्शन ड्रामा है। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है सोसाइटी के बच्चे होली पर लोगों को कलर लगाते हैं। एक लेडी मना करती है और कहती है पहले मेरे बेटे सत्या पे कलर लगा के दिखाओ तब मेरे पास आना। और ऐसे ही बहुत लोग उन बच्चों को सत्या को पहले कलर लगाने के लिए कहते हैं। सारे बच्चे हैरान होते हैं और तभी सत्या आता है। सारे बच्चे भागते हैं उसके पीछे। वो सबसे बचता है और एक बच्चा गिरता है। सत्या उसके पास जाता है लेकिन बच्चा नाटक कर रहा था, वो उसे कलर लगाता है। सत्या हमेशा खुश रहता था। वो अपनी माँ के साथ दूसरी सिटी जा रहा था। उसकी माँ एक ओल्ड लेडी को बताती है सत्या ने MBBS ख़त्म कर ली। वो इंटर्नशिप के लिए करनूल जा रहा है और सत्या अपनी माँ के साथ करनूल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रेडियो शो की RJ दिखाई जाती है जिसका नाम माँ लक्ष्मी था। वो अपने किस्से बताती थी और सत्या और उसकी माँ टैक्सी में थे। टैक्सी वाले को एड्रेस नहीं पता था। वो महालक्ष्मी से पूछते हैं। महालक्ष्मी ध्यान से देखती है और कहती है मेरे पीछे चलो। और टैक्सी वाला उसका पीछा करता है। महालक्ष्मी बहुत शॉपिंग कर रही थी। वो फूल लेती है। वो उन्हें बहुत वेट करवाती है। सत्या की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है इस लड़की को छोड़ो, हम किसी और से एड्रेस पूछ लेंगे, क्योंकि महालक्ष्मी बहुत टाइम लगा रही थी। और बाद में सत्या और उसकी माँ घर आते हैं। महालक्ष्मी कहती है आप मेरे साथ आते तो जल्दी पहुँच जाते। अंकल ने मुझे बताया था आज नए किराएदार आ रहे हैं, उसी के लिए मैं शॉपिंग कर रही थी। और वो सारा सामान देती है सत्या। पैसे देने लगता है। महालक्ष्मी मना करती है और कहती है बाद में सेटल करते हैं। और सत्या हॉस्पिटल जाता है जहाँ एक पेशेंट आता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सत्या आते ही उसका इलाज करता है और बाकियों को इंस्ट्रक्शन देता है। एक आदमी आता है और कहता है तुम कौन हो? सत्या कहता है मैं इंटर्न हूँ, मुझे डीन से मिलना है। वो आदमी ही डीन था। वो कहता है तुम आते ही ड्यूटी पर लग गए, वैसे हमारा काम ऐसा ही है, हमें लोगों का इलाज किसी भी समय करना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो। और दूसरी तरफ महालक्ष्मी अपने शो में सत्या और उसकी माँ की बातें करती है। सत्या की माँ को गुस्सा आता है क्योंकि महालक्ष्मी उन्हें घमंडी कह रही थी। सत्या की माँ सत्या से कहती है ये हुआ और आज इसने ये स्टोरी पूरी दुनिया को बता दी। और अगले दिन महालक्ष्मी के पापा उसे हॉस्पिटल लाते और कहते हैं मेरी बेटी ने जहर पी लिया, मैंने शादी की ही तो बात की थी, बस इतनी सी बात पर जहर। सत्या जल्दी अंदर ले जाता है। वो बड़ा पाइप मंगवाता है और उसकी नाक में डालने वाला था। महालक्ष्मी उठती और कहती है नकली डॉक्टर हो क्या, क्या कर रहे हो? सत्या कहता है तुम नकली पेशेंट बन सकती हो तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? सत्या ने महालक्ष्मी का हाथ हिलते हुए देख लिया था। उसे पता चल गया था महालक्ष्मी नाटक कर रही है। महालक्ष्मी कहती है पापा शादी की बात कर रहे थे तब ये नाटक करना पड़ा। सत्या कहता है तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है या कोई बॉयफ्रेंड है? महालक्ष्मी कहती है ये मेरा फैमिली मैटर है। सत्या कहता है मेरा फैमिली मैटर तुमने रेडियो शो में बता दिया सबको। महालक्ष्मी कहती है बहुत हुआ तुम्हारा। और वो जाती है। महालक्ष्मी के पापा एक आदमी से कहते हैं क्या अब एक बाप अपनी बेटी से शादी के लिए भी नहीं पूछ सकता? सत्या की माँ दूर से देखती है। महालक्ष्मी के पापा अपनी बेटी से कह रहे थे उम्र हो गई है शादी करने में क्या दिक्कत है? सत्या की माँ अपने बेटे से कहती है इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये शादी क्यों नहीं करती? और अगले दिन महालक्ष्मी अपने पापा को लेकर आती है। उसके पापा ने जहर पी लिया था। सत्या को नाटक लगता है। महालक्ष्मी कहती है इन्होंने सच में जहर पी लिया है। सत्या जल्दी उनका इलाज करता है और कहता है जहर निकाल दिया है लेकिन इन्हें सिर्फ ठीक तुम ही कर सकती हो, शादी करने में क्या दिक्कत है? हर पिता का सपना होता है उसके बच्चों की शादी सही उम्र में हो जाए। मेरे पास पापा नहीं है इसलिए मैं समझ सकता हूँ। महालक्ष्मी कहती है तुम कुछ नहीं समझते। सत्या कहता है तुम अपने पापा की खुशी के लिए हाँ नहीं कर सकती, बस एक ही वर्ड कहना है। छोड़ो मैं कह देता हूँ तुम्हारी तरफ से, तुम तैयार हो। सत्या महालक्ष्मी के पापा को कहता है आपकी बेटी शादी के लिए मान गई है। उसके पापा उठते हैं और खुश होते हैं। वो फ़ोन करते हैं महेश्वरी को। सत्या महालक्ष्मी से कहता है देखा तुम्हारे पापा ठीक हो गए एक हाँ से। वैसे महेश्वरी तुम्हारी माँ का नाम है क्या? महालक्ष्मी कहती है नहीं, लड़की का जिससे पापा शादी करना चाहते हैं। सत्या हैरान होता है। वो कहता है क्या? महालक्ष्मी कहती है मेरे पापा अपनी शादी की बात कर रहे थे बेवकूफ़, तुमने कहा था तुम्हारे पास पापा नहीं है इसलिए तुम्हें उनकी वैल्यू पता है। मेरे पास पापा हैं तब भी मुझे उनकी वैल्यू पता है। सत्या बहाने से जाता है और अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ भी बहुत सस्ती और महालक्ष्मी आती है। सत्या की माँ कहती है तुम्हें अपनी कहानी अपने शो पे बतानी चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है। कुछ गुंडे एक आदमी को मार के चले जाते हैं। सत्या आता है, उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी सर्जरी करता है और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाता है उस आदमी की। और वो आदमी अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है थैंक यू माँ मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, मैंने आज एक जने की जान बचाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नया जन्म हुआ है मेरा। उसकी माँ कहती है ये तुम्हारे पापा का सपना था, तुम उन्हें थैंक यू कहो। सत्या कहता है एक माँ और एक डॉक्टर ही जान के वैल्यू समझ सकते हैं। और वही गुंडे आते हैं, वो उस आदमी का ऑक्सीजन पाइप निकाल के उस आदमी को मार देते हैं। सत्या जाता है, वो हैरान होता है आदमी को मारा देख के। वो गुस्से में बाहर जाता है। गुंडे जा रहे थे, सत्या उन्हें आवाज़ लगाता है। डीन उसे रोकता है और अंदर जाता है और गुंडों को कहता है ये नया है ना, इंटर्नशिप में आया है, इसे पता नहीं है अभी यहाँ के बारे में। गुंडा कहता है ये यहाँ के लिए नया है लेकिन मौत डॉक्टर के लिए नई नहीं है, इसे समझा देना, बहुत सारे डॉक्टर्स ने सत्या को पकड़ रखा था। सत्या कहता है ये आपने क्या किया? डीन कहता है तुम मेरे बेटे की तरह हो, इन सब में मत पड़ो,
ये गुरु के आदमी है। सत्या कहता है, कौन है गुरु? डीन कहता है, गुरु मतलब डर, खौफ, मौत। यहाँ सिर्फ गुरु का कानून चलता है। नेचुरल डेथ से ज़्यादा यहाँ गुरु की वजह से डेथ होती है। वो हमेशा लोगों को मारने के बाद एक पेड़ लगाता है जिसकी उसने जान दिया उसकी जान के बदले। और सीन फ्लैशबैक में जाता है, गुरु के पापा को किसी गुंडे ने मार दिया था। गुरु को बहुत गुस्सा आता है। गुरु का मामा गुस्से में जाता है गुंडे को मारने। गुरु की मामा मना करती है और कहती है, रुको, गुरु उसे मारेगा, वो अपने पापा का बदला लेगा। गुरु जाता है, वो उस गुंडे की गर्दन काट के लाता है। उस टाइम गुरु छोटा था, उसे पुलिस लेने आती है। गुरु की माँ कहती है, पहले तू पेड़ लगा के जा, जब जब तू लोगों को मारेगा एक पेड़ जरूर लगाएगा, जान के बदले जान। गुरु पेड़ लगा के जाता है और अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है। उसके मामा के फेस पे एक निशान था। गुरु कहता है, क्या हुआ मामा? उसका मामा बताता है, तुम्हारे पापा ने एक गुंडे से पैसे लिए थे और अब गुंडा तुम्हारे घर और एक तुम्हारी मिल दोनों पर कब्जा करके बैठा है। हम उससे घर और मिल मांगने गए तो उसने मारा, वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, वो बहुत खतरनाक है। गुरु गुंडे के पास जाता है, उसने जीप पे हाथ रखा था। गुंडे के आदमी कहते हैं, हाथ हटा, अब जीप धोनी पड़ेगी। और वो हंसता है। गुंडा आता है, गुरु अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी वापस मांगता है। गुंडा कहता है, तेरे बारे में बहुत सुना है, तूने अपने पापा के कातिल को मार के बदला दिया और जेल चला गया, तुझे क्या लगा तू हीरो है? गुरु उसकी आंखों में गुस्से में देखता है। गुंडा कहता है, आंखें नीचे कर। गुरु नहीं करता। गुंडा अपने आदमी को कहता है, जरा इसे समझाना, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और सारे गुंडे गुरु को बहुत मारते हैं। घायल हालत में गुरु घर आता है। उसके मामा कहते हैं, हमने पहले ही मना किया था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की, वो बहुत खतरनाक है। तभी गेट नॉक होता है। उसका मामा गुरु को जाने के लिए कहता है। वो कहता है, हम सब संभाल लेंगे, तू भाग। गुरु कहता है, गेट खोलो। उसके मामा कहते हैं, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुरु कहता है, कहा ना गेट खोलो। और उसके मामा खोलते हैं। गुंडा हाथ जोड़ के आया था सारे प्रॉपर्टी के पेपर लेके। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी गुरु से पंगा नहीं लूँगा। और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब सब ने गुरु को मारा था तब गुरु ने उठ के सबको बहुत बुरी तरीके से मारा था। गुरु गुंडे को भी मारने वाला था, उसका बेटा आ गया था, इसलिए गुरु ने गुंडे को छोड़ दिया था। और सीन प्रेजेंट में आता है। गुंडा कहता है, मेरा बेटा वापस दे दो, मैं चले जाऊँगा यहाँ से दूर, प्लीज़, तुम्हें जो चाहिए मैंने दे दिया। गुरु के मामा हैरान थे। गुरु कहता है, मामा अंदर रखिए। गुरु के मामा हैरान थे। गुरु वापस कहता, गुरु के मामा रखते हैं अलमारी में, और अलमारी में गुंडे का बेटा था। गुंडा अपने बेटे को लेकर जा रहा था जीप में। गुरु जीप को वहीं छोड़ने के लिए कहता है। गुंडा अपने बेटे के साथ भागता है। उस दिन के बाद से हर जगह गुरु का खौफ था। वो बहुत लोगों को मारता है और पेड़ लगाता है। उसके घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। और सीन प्रेजेंट में आता है। सत्या पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ एक छोटे बच्चे से चाय गिरती है। पुलिस वाला उसे मारता है और भगा देता है। सत्या आता है, वो कंप्लेंट करना चाहता था गुरु के खिलाफ। पुलिस वाला उसे डराता है और कहता है, बाद में कंप्लेंट वापस लेने मत आना, क्योंकि लोग बार बार आते हैं करवाने, उनके परिवार वालों की जान को खतरा रहता है, तुम्हें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। सत्या कहता है, मुझे कंप्लेंट करनी है, कहीं तुम डर के मारे एक्शन ना लो, ये हो सकता है। पुलिस वाला कहता है, जल्दी कंप्लेंट लिखो, प्रिस्क्रिप्शन मत लिख देना, लॉ वाली लैंग्वेज में लिखना। पुलिस वाला गुरु के घर जाता है। गुरु अपनी बीबी के साथ इंटीमेट हो रहा था। बाद में वो पुलिस वाले के साथ खाना खाता है। पुलिस वाले कंप्लेंट के बारे में बताता है। गुरु कहता है, खाते वक्त बात नहीं करते, वैसे किसी को तुम्हारे खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस वाला डरता है, सत्या की बहन आती है, वो प्रेग्नेंट थी। सत्या उसे स्टेशन से पिक करता है, लेकिन एक ट्रक सत्या की कार को टक्कर मारने वाला था। सत्या बचता है। सत्या को इत्तेफाक लगता है, एक और ट्रक सत्या की कार को टक्कर मारता है। सत्या समझ जाता है, वो अपनी बहन को जल्दी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है और बहुत तेज कार चला के दोनों ट्रक से बचता है। ट्रक बस उसे डराने आए थे। सत्या की बहन सत्या की माँ को कुछ नहीं बताती और सत्या को सावधान रहने के लिए कहती है। और बाद में डीन सत्या को बुलाता है और कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहता है। सत्या मना करता है। डीन कहता है, तुम मेरे बेटे की तरह हो, वो भी ऐसी आवाज़ उठाता था, गुरु खतरनाक है, डॉक्टर्स को काम, काइंड और कंपोज रहना चाहिए। सत्या कहता है, आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं सुनूंगा। डीन कहता है, तुम अपने लिए नहीं, जो मरा है उसके परिवार के लिए कंप्लेंट वापस ले लो, उस आदमी के बेटे को भी खतरा है। जिसकी डेथ हुई थी उसकी वाइफ आती है और हाथ जोड़ती है। सत्या ना चाहते हुए कंप्लेंट वापस लेता है। पुलिस वाला कहता है, मैंने पहले ही कहा था, नहीं सुनी, अब आगे से मत आना, मेरा दिमाग ख़राब होता है और टाइम वेस्ट भी होता है बहुत ज़्यादा, स्टेशन में मत दिख जाना आगे से। सत्या कुछ नहीं कहता, वो जाता है और गुरु बुल कंपटीशन करवाता है। गुरु के बुल को बहुत लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बुल सबको मारता है। गुरु का बुल जीत जाता है लेकिन बुल काबू से बाहर होता है और वो बाहर जाता है। वो महालक्ष्मी को मारने वाला था। सत्या महालक्ष्मी को बचाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। सत्या खुश रहने लगा था। एक दिन एक छोटी बच्ची जो पेशेंट थी वो पूछती है, आज मैं घर जा पाऊंगी ना? सत्या खुश होकर कहता है, हाँ। और अचानक उस छोटी बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होती है। सब हैरान होते हैं और ऐसे सारे पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। सत्या हैरान होता है, वो चेक करता है, वो देखता है सबको जो दवाई दी जा रही थी ड्रिप के जरिए वो सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं है। वो सबकी ड्रिप उतरवाता है और डीन आता है। वो कहता है, एमरजेंसी है। सत्या कहता है, बोतल दिखा के ये जहर है, कौन सी कंपनी की दवाई है?
इसमें मेडिकल गाइडलाइन से ज़्यादा एंडोटॉक्सिन है, डीन कहता है तुम शांत हो जाओ, सत्या कहता है लोग मर रहे हैं, दोनों पेशेंट्स की जान चली गई, बताना पड़ेगा अब आपको। डीन कहता है ये गुरु की कंपनी की दवाई है, वो छोटी बच्ची मर जाती है जो सत्या से बात कर रही थी। सत्या को बुरा लगता है, वो कहता है कुछ टाइम पहले ये घर जाना चाहती थी, अब दुनिया छोड़ के चली गई, क्या आप अभी भी मुझे चुप रहने के लिए कहेंगे, तीन बच्चे मारे गए और आप अभी भी चाहते हैं मैं गुस्सा ना करूं, काम कंपोज रहूं, ऐसे डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा, अब आप इनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, हमने पूरी कोशिश की हम बचा नहीं पाए। डीन कहता है शांत हो जाओ। सत्या को टॉर्च स्टेटोस्कोप निकालता है और कहता है अब नहीं, और वो गुस्से में दवाई की बोतल फेंकता है और वो कोर्ट में जाके कंप्लेंट करता है। मीडिया में न्यूज़ आती है, गुरु के आदमी को अरेस्ट किया जाता है। महालक्ष्मी अपने शो में सत्या की तारीफ करती है। गुरु अपने मामा के साथ अपने पेड़ देखने जाता है, वो कहता है मामा इन दो पेड़ों के बीच गैप है, एक और पेड़ लगाना होगा, मुझे डॉक्टर की याद आ रही है। महालक्ष्मी खुश थी, वो सत्या को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बुलाती है, लेकिन जब सत्या आता है वो कह नहीं पाती, वो जाती है, सत्या जा ही रहा था। गुरु उसे पंच मारता है, सत्या गिरता है। गुरु सत्या को गिरा गिरा के मारता है और कहता है पूरा गांव तेरे बारे में बात कर रहा था, मुझे आना पड़ा, सुना है तेरे से चीज़ें सहन नहीं होती, वो बदलाव चाहता है। सत्या गुस्से में उसकी आंखों में देखता है, गुरु उसे मारता है और उसे लटका देता है और कहता है तू यहाँ मरने आया है हैदराबाद से, डॉक्टर इंसान को जिंदा रहने के लिए डर या ताकत चाहिए, तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है, इसे तुम मरने वाले हो। सत्या बेहोशी में पानी मांगता है, गुरु हंसता है और कहता है अगर किसी ने इसे पानी दिया वो मरा, ये प्यासा मरेगा, 2 साल से यहाँ ढंग से बारिश नहीं हुई, अभी से बारिश ही बचा सकती है और कोई नहीं। और गुरु हंसते हुए जाता है, कोई सत्या को पानी नहीं देता। और रात को बारिश होती है, गुरु और उसके आदमी सत्या के पास जाते हैं, सत्या वहाँ से जा चुका था। और हमें दिखाया जाता है डीन और सत्या की माँ उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। डीन कहता है मैंने पहले ही इसे मना किया था, गुरु से पंगा मत ले, लेकिन उसने नहीं सुनी, इसकी आंखों में मैंने अलग जुनून देखा था। गुरु के आदमी इसे ढूंढ रहे होंगे, अगर ये उन्हें मिला तो इसे मार देंगे, आप इसे कहीं दूर ले जाइए। सत्या की माँ कहती है मैं अपने बेटे को यहाँ डॉक्टर बना के लाई थी, लेकिन पेशेंट बना के ले जाना पड़ रहा है। और सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है, गुरु पॉलिटिक्स में आ रहा था, एक रिपोर्टर गुरु के खिलाफ रिपोर्टिंग करती है, उसके घर के पास वाले पेड़ों के बारे में बताती है, और एक मिनिस्टर धरना दे रहा था ताकि गुरु को टिकट ना मिले। गुरु गुस्से में देखता है और कहता है इसे आधी कहानी पता है, बाकी की आधी बता के आओ। और गुरु के गुंडे रिपोर्टर को मारने जाते हैं, रिपोर्टर भागते हुए स्टेशन आती है, वो एक ट्रेन में जाती है, गुंडे उसके पीछे आते हैं, तभी सत्या रिपोर्टर के आगे आता है। गुंडा कहता है क्या बे डॉक्टर वापस आ गया, पिछली बार लटका के मारा था, भूल गया क्या तू, तू क्या ही कर लेगा। सत्या कुछ नहीं कहता, एक गुंडा रिपोर्टर के पास आता, सत्या उसे मारता है और पुलिस आती है और सत्या को सैल्यूट करती है, और गुरु के साथ मिला हुआ ऑफिसर हैरान होता है और सत्या पुलिस ऑफिसर बन गया था। और बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।